जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुट गए हैं, शिकायतें भी हो रही हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से जुड़ा है। अरविंद सिंह भदौरिया के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारे ने आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। मामला भिंड से सामने आया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने भिंड के अटेर से सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर हेमंत कटारे को चुनाव में उतारा है। अब इस सीट पर हेमंत कटारे सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हेमंत कटारे ने कहा कि सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। सुनिए हेमंत कटारे ने क्या कहा। देखिए, श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इन्होंने 17 अक्टूबर को अपने घर निज निवास मीरा कॉलोनी पर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इनने अपने पद का दुरुपयोग करके कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया। जबकि आचार संहिता लगने के बाद और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उसके बाद आप इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिससे कि जनता पर विपरीत असर जाए। न सिर्फ इनने कर्मचारियों को निर्देशित किया, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया, बल्कि इन्होंने उस चीज को फेसबुक से पोस्ट डाल के जनता में भी ये मैसेज दिया अपने 99,000 फॉलोअर्स को कि वो इस तरीके का दबाव बनाने का काम अधिकारियों और कर्मचारियों को कर रहे हैं, जिसका एक विपरीत प्रभाव आम जनमानस और आम मतदाताओं पर पड़ा है। यह कार्य स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने मांग किया है जिला निर्वाचन अधिकारी से और केंद्र निर्वाचन आयोग से कि अरविंद सिंह भदौरिया के ऊपर आदर्श आचार संहिता के वॉयलेशन का केस दर्ज होना चाहिए और सख्त और कठोरतम कार्रवाई उनके ऊपर की जानी चाहिए।